हेलो एवरीवन। सो एरीज, ये है आपका कैसा होने वाला है हफ्ता, उसके रिगार्डिंग रीडिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बिना टाइम वेस्ट किए। क्या क्या मैसेजेस एंड एनर्जीज आप लोग के लिए दिख रहे हैं, बीट करियर रिलेशनशिप, जो भी सेक्टर मुझे आएगा मैं उसके बारे में आपको बताती जाऊंगी। एरीज, हाँ, मेष राशि, अभी और कार्ड्स मैं पुल आउट करूंगी, बट पहले थ्री थ्री करके दिखाऊंगी ताकि स्क्रीन पे क्लियरली आपको दिखे। सो यहाँ पे अब जो चीज़ मुझे दिख रही है, यहाँ पर जो क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। ये बता रहा है कि ये जो 1 मई टू 7 मई का जो ये हफ्ता रहने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा अबंडेंस, पॉजिटिविटी, गुड एनर्जीज लेके आएगा। आपको लगेगा कि आपके काम बन रहे हैं या पॉसिबल है, या एक होप, एक गुड एनर्जीज के साथ में आएंगे। मैं कहूँगी जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, आप बड़ी आसानी से उसे हैंडल कर लोगे। इनफैक्ट अगर आपको लगता है हैंडल नहीं कर सकते हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप हैंडल कर लोगे। ट्रस्ट योर सेल्फ, सब कुछ सही और ठीक हो जाएगा, एंड हैव पेशेंस। यहाँ पर अगर आप गौर से और ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो इमेज है, ये गोल्ड कॉइन्स है एंजल के हाथ में, एंड वो गोल्ड कॉइन्स उड़ते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। सो दिस शोज द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ एनर्जी, एंड ये एम्बिशन को लेके भी बड़ा अच्छा बताता है कि आप जितनी मेहनत, हार्डवर्क, क्रिएटिविटी अपनी लगा रहे हो, चाहे आपके एजुकेशन में हो, आपकी पढ़ाई में हो, भैया सब सही रहने वाला है। नाउ फॉर दैट, यहाँ पर जो स्टार के कार्ड आए हैं, जो ये इंडिकेट कर रहा है, हैप्पी टाइम्स, मेक पॉजिटिव चेंजेस, लॉन्ग टर्म प्लान्स, ओके। एंड यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत वाटर फ्लो है, ठीक है। ये पानी बहता हुआ एक ऐसी एनर्जी दिखाता है जहाँ पे मुझे ऑनेस्टली स्टक एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। आई वुड से कि जहाँ पे आप इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ये वीक एक सूदिंग वीक ज़रूर आपके लिए साबित हो सकता है, अभी तक जो मुझे दिख रहा है। आगे रीडिंग शिफ्ट हो तो बात अलग है, कोई और स्पेशल मैसेजेस आए तो, बट उसके अलावा आई फील कि अच्छा पोटेंशियल तो दिख रहा है मेष राशि वालों। ये हफ्ता आप लोगों के लिए खास ज़रूर हो सकता है। अब ये एक ऐसा कार्ड है, ये कार्ड दिखाता है कि देखो, कुछ चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन से होंगी वीक के एंड आते आते, ठीक है। वीक के एंड होते होते कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, उस समय में आपने ये ध्यान रखना है कि जितना आपके कंट्रोल में है उतना कीजिएगा, जितना आपके कंट्रोल में नहीं है, लेट इट गो, ठीक है। एंड कुछ पावरफुल बिग चेंजेस आएंगे। अब ये चेंजेस ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल फॉर्म में हो, आपको दिखे या दूसरे लोगों को नोटिस हो, ये आपके इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे। यू विल फील पावरफुल, आपको पावरफुल लगेगा, एंड आपको लगेगा कि यार अब कोई ना कोई टॉक्सिक चीज़ को ख़त्म करना होगा। आपको फील होगा कि यार ये चीज़ मेरे को ड्रेन कर रही है, ये चीज़ मेरी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, अब मेरा मन है कि मैं इसको अब एंड करूं, और अब समय आ गया कि मैं अपने विंग्स, जो मेरे सपने हैं, मेरे जो डिज़ायर्स हैं, मैं उसमें आगे बढ़ूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ, तो हो सकता है कि आप कोई चीज़ में बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, चाहे रिश्ता है, घर है, काम है, एंड यू विल फील कि पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे एडजस्ट करने नहीं हो रहा है। सो ये चीज़ यहाँ पे आपकी बहुत मदद करेगी इस टाइप से एक्सेप्ट करने में। आगे और कार्ड्स अब देख लेते हैं। फिर से एक बार मैं लास्ट में इसको रिव्यू करूंगी। ओके, और भी जो मैं कार्ड्स एंड मैसेजेस देख रही हूँ, देखो सभी के सभी करियर ओरिएंटेड बहुत अच्छे हैं। तो देखो, लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान तो नहीं रहने वाला है, ज़्यादा ध्यान आपका अपने काम पे होने वाला है, आपके एजुकेशन, करियर, फिटनेस, वर्क, उन सब पे ज़्यादा रहेगा। लव लाइफ न्यूट्रल चलेगी। अगर लव लाइफ में कोई ख़ास प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसा रहोगे आपकी, भाई चलो रिलेशनशिप को भी साइड में रखो, काम पे ज़्यादा ध्यान दो, पैसे का ज़्यादा टेंशन है, पैसे के ऊपर काम कर रहे हो, मे बी कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो,
जॉब में चल रहे हो ना, पूरा आपका ऑरा एनर्जी आपके काम में बहुत बढ़िया रहने वाली है और काम में बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। मई का पहला हफ्ता मेष राशि वालों के लिए बहुत ही क्रिएटिव, शुभ और अच्छा रहने वाला है। ये पहला कार्ड आ गया है द क्रिएटिविटी का, पॉजिटिविटी का, वेरी गुड एनर्जी, न्यू अपॉर्चुनिटी, एक्साइटिंग। जॉब के लिए देख रहे हो तो ये हफ्ता कोई इंटरव्यू है तो क्लियर होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। नाइन ऑफ अर्थ के कार्ड्स हैं, विशेस फुलफिलमेंट है, बहुत से ऐसे इंडिकेशन, यू नो, अगर छः के छः कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो हैं, अच्छे हैं। इट्स जस्ट दैट कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़िया रखना होगा, अपने आप पे भरोसा अच्छा रखना होगा, तो ज़रूर यूनिवर्स आपकी मदद करता हुआ कम्प्लीटली दिख रहा है कि आपके काम बनते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ऑनेस्टली थ्री ऑफ अर्थ के यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जो अगेन क्रिएटिविटी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी लॉन्ग टर्म प्लान्स को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। देखो कई बार लॉन्ग टर्म प्लान्स उस समय में हमें बड़े स्लो लगते हैं कि यार पता नहीं अभी तो हम कर रहे हैं, 2 साल बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, पता नहीं हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। बट कार्ड्स आपको सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो विद द इंटेंशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, फलित होगा, सही रास्ते पर हो, सक्सेस मिलेगी। आप कुछ डिवाइन एंजल मैसेजेस भी आपको क्या सजेशन दे रहे हैं? देखो लव लाइफ बहुत ज़्यादा इस वीक में तो हाईलाइट नहीं हुई है, इमोशनल एंगल आप लोग का ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, ज़्यादा तो करियर, काम, हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, हेल्थ में भी कोई टेंशन नहीं दिखी है, तो ये अभी तक वाइब्रेशंस चल रही हैं। ओके वैसे भी जो एंजल गाइडेंस और कार्ड्स भी आ गए, सरेंडर टू ड्रामा आ गए। वैसे भी आपको मना कर दिया है कि घर गृहस्थी रिलेशनशिप में कोई पंगे चल रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, उसको अवॉइड ही करना, उसमें जितना इन्वॉल्व होगे वो ड्रामा बढ़ेगा, कुछ रिजॉल्व नहीं होने वाला और बेफालतू के आप इश्यूज में और खुद की स्ट्रेस को दोगे। यहाँ पर हीलिंग आपकी चल रही है। देखो मे भी आप ज़्यादा लव लाइफ में ध्यान इसलिए भी नहीं दे रहे हो, बस कहीं ना कहीं आपकी खुद की इमोशनल हीलिंग चल रही है एंड अब आपको उन लोगों पर या उन रिश्तों पर ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना है जो आपको ड्रेन कर देते हैं। उसी टाइप का ये चेंजेस मुझे दिख रहा था जो वीकेंड में आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप उन्हीं लोगों के साथ रहोगे जो काम डाउन है, स्टेबल है, जो सूदिंग एनर्जीज दे रहे, जिनमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है ना, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, घर गृहस्थी के हों, तो वहाँ पर आप थोड़ा दूरी बना के रखोगे बिकॉज यू नो कि ये हफ्ता आपके लिए काम के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ड्रामे भी एक्स्ट्रा आते हुए नहीं दिख रहे हैं, मोस्टली मैं आपको अवॉइड करने ही कहूँगी, बट ये समझ लो कि ना कुछ लव लाइफ में ना कुछ खास रिकन्सिलिएशन है, ना कुछ बिगड़ता हुआ दिख रहा है। या तो जिनके कोई पंगे नहीं है तो न्यूट्रल रहेगा, नहीं तो अदरवाइज वर्क वाइज सबसे बेस्ट पीरियड ये दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए इस हफ्ते में। इसको एंजॉय कीजिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। मुझे आपके करियर रिलेटेड सारे सपने काम पूरे होते हुए दिख रहे हैं, उस क्षेत्र में मेरे को अच्छी एनर्जीज आप लोगों के लिए दिख रही है। सो यस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।